नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल गुरु कृपा कंपटीशन में। दोस्तों, अभी अभी रीट 2020 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने दिसंबर में घोषणा की थी कि एग्ज़ाम के लिए जो अभी 25 फरवरी को अभी बैठक ली है सचिवालय में, और इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे तक इन्होंने विचार विमर्श किया, इसके बाद भी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। सिलेबस में अधिक बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन लेवल 2 को लेकर अधिकारियों की राय ली गई। बैठक में शिक्षा, पंचायती राज, विधि विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे, और सब बातों पर मंथन हुआ। लेकिन राजस्थान के जीके को किस तरह जोड़ा जाए ताकि प्रदेश के अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो, इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 अगस्त की तिथि तय की थी, और पूरी कोशिश है कि इस परीक्षा जो है ये 2 अगस्त तक हो जाए। और इस खबर पर अब आगे देखते हैं कि क्या क्या है पूरी न्यूज़ आपके सामने। रिट का पाठ्यक्रम अभी तक पैटर्न अभी तक तय नहीं हुआ है। शिक्षक बनने का जो इंतज़ार कर रहे हैं 20,000 अभ्यर्थी, वो भी अभी असमंजस में है कि पेपर का वेटेज कितना होगा, तैयारी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने रिट की परीक्षा कराने की घोषणा की थी, और अब 2 महीने बीत चुके हैं उस बात को, और अब सरकार एक नई तारीख दे रही है 2 अगस्त 2020। यहाँ तक वो सरकार, गोविंद सिंह डोटासरा और उनकी जो टीम है वो इस पर काम कर रही है कि ये परीक्षा 2 अगस्त 2020 तक हो जाए, लेकिन अभी तक उसकी विज्ञप्ति भी जारी नहीं कर पा रहे हैं। 31,000 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी, और 10 लाख अभ्यर्थी है प्रदेश भर में जो रीट की परीक्षा देना जो सोच रहे हैं। लेकिन अभी वो सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका कोई फाइनल कुछ उनकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है इस बारे में। और ये देखिए दोस्तों, 7 फरवरी को शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में ये मंथन हुआ था, प्रदेश के सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता हित में। कांग्रेस की पिछली सरकार ने पैटर्न में टेट के 20% और जिला परिषद से उसके 80% मिलाकर कट ऑफ बनी थी। दूसरे पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता दी गई थी, ये एक अच्छा प्रयास था। इससे बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगी थी। अभी बड़ी समस्या सिलेबस नहीं होने से है, सरकार इस पर और ध्यान दे, ये कहा है संयोजक अरविंद सिंह जी ने, अध्यापक संघर्ष समिति। तो आप ये दोस्तों, आप ये न्यूज़ देख लीजिए। अभी तक जो हमारे 20,000 अभ्यर्थी जिनको रीट का इंतज़ार है, उनको सिर्फ एक संभावित डेट 2 अगस्त 2020 दी जा रही है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर कड़ी तरह से उनको कानून लगाकर जल्दी से जल्दी इस पर काम करना चाहिए। अगर आपको भी इस बारे में कुछ कहना है या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और कोई शिक्षा जगत की या रिट सेकंड ग्रेड या जो भी आप जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आपको समय समय पर न्यूज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।